देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज 36, इफ इट्स टू ऑब्जर्वेशन 30 एंड 42 आर डिलेक्टेड देन द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस इज, ठीक है। तो देखो 50 ऑब्जर्वेशंस है अपने पास, देखो एक्स वन एक्स टू अप टू x50, ये 1 to 50 हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशंस है, इनका जो मीन है वो 36, ठीक है। तो मीन 36 वो कैसे निकालते हैं हम, इन टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नंबर तो कितना आ जाएगा, इनका सम कितना आ जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50, 50 ऑब्जर्वेशंस है एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 50, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी ये टर्म है उनका सम क्या आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू प्लस एक्स 15, 50 इज इक्वल टू 50 इंटू 36, ये क्या आ गया अपने पास, जो 50 ऑब्जर्वेशंस है उनका सम आ गया, ठीक है। अब उन 50 ऑब्जर्वेशंस में से हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन 30 है और एक 42 है, तो इनको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं जो ये एक्स वन 30 है और एक्स टू 42 है, अब एक्स वन और एक्स टू को हम हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। हटा देंगे तो देखो एक्स थ्री से हमारे पास प्लस एक्स 50 तक आ जाएगी टर्म्स, ठीक है। तो 50 इंटू 36, अब इनको हटा देंगे तो ये राइट हैंड साइड इधर क्या आ जाएगा, देखो इसको हटा देंगे तो ये 42, ये माइनस का इस तरह हो जाएगा प्लस 30 ये, ठीक है। तो यहाँ से अब ये टर्म्स कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से हम देखेंगे तो 50 36 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 1800 माइनस ये 72, तो ये सबट्रैक्ट कर देंगे -72 तो कितना आ जाएगा 1728, ठीक है। ये आ गया एक्स थ्री से x15, ठीक है। अब हमें इन टर्म्स का मीन चाहिए, ठीक है। तो टर्म्स कितनी है, थ्री टू टू टर्म्स हटा दी इसमें से, ठीक है। देखो 30 एंड 42, तो बाकी टोटल कितनी थी पहले 50 ऑब्जर्वेशन थी, टू ऑब्जर्वेशन आपने डिलीट कर दी तो कितनी रह गई 48, तो 48 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास इनका न्यू ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो 48 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, ठीक है। तो 36 है वो न्यू ऑब्जर्व, इसका न्यू मीन होगा, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके इजी है।